दोस्तों, आज के वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखें, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेरुरज्जु में। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? 206। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दंतवल्क। शल्य क्रिया में जोड़ का प्रतिस्थापन करना क्या कहलाता है? आर्थोप्लास्टी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। वयस्क मानव के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? 65%। हड्डी और दांत के निर्माण हेतु कौन से तत्व आवश्यक है? कैल्शियम व फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। मानव के शरीर में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के श्रोणि मेखला में कौन सी हड्डियां होती है? इस्चियम, इलियम, प्यूबिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? सिलोम। त्वचा पर चोट लगने पर पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडरा कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से कैसे भिन्न होती है? हेवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण क्या हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? कीरेटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक। शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियां होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। मनुष्य के शरीर में कब्जा का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों के संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस।
यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।